स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम गूगल एनालिटिक्स की इस सीरीज में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 का ट्रैकिंग कोड अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल हमने बताया है और ये वीडियो देख के आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और कोड इंप्लीमेंट करना सीखिएगा ताकि आप भी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू प्रॉपर ट्रैकिंग कर पाए अपने डाटा की, अपनी वेबसाइट्स की, ऑडियंस की। तो दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी 850 के अराउंड वीडियोज हैं विद लेटेस्ट कॉन्टेंट, और इस साल हम लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज देने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए अभी तक तो कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइएगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको गूगल एनालिटिक्स में GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 का कैसे आप ट्रैकिंग कोड अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हो सिखाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले गूगल एनालिटिक्स अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। तो बिल्कुल बिगनर्स की तरह हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी वो जीमेल आईडी ओपन कर लीजिएगा जिससे आपको अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करना है, वो ओपन होनी चाहिए। और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है या किसी और सीएमएस में है उसको ओपन कर लीजिएगा, उसका एडमिन पैनल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं गूगल एनालिटिक्स के लिए। आप यहां पर जाइए, गूगल एनालिटिक्स टाइप करके सर्च कीजिए। यहां पर देखिए गूगल एनालिटिक्स का URL आ रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए। अब गूगल एनालिटिक्स का हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इस वेबसाइट में अगर आपने अभी तक गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट नहीं बनाया तो इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप यहां क्लिक करोगे, अब यहां पर आपको वो ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिकली साइन इन हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, कंपनी का जो नाम है वो आपको डालना है। तो अभी जैसे कि मैं यहां पर डाल देता हूं डिजिटल एडवर्टाइजर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस कंपनी की वेबसाइट का ट्रैकिंग करने के लिए आप ये लगा रहे हो कोड या नेटिक बना रहे हो, तो उसी नाम से ही आप अकाउंट नेम देंगे। डालने के बाद यहां पर आपको ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको क्लिक रहने दीजिएगा और इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद प्रॉपर्टी सेटअप जो आ रहा है, प्रॉपर्टी सेटअप में नीचे आप देखिए क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी टू मेजर योर वेब एंड ऐप डाटा। तो GA4 जो है दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंस में ये GA4 से आप वेब और ऐप दोनों का कर सकते हो। अब ये इसका एडवांस और बेटर चीज है जो कि गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नहीं था। गूगल एनालिटिक्स से अगर आपको करना है तो आप गूगल एनालिटिक्स की सीरीज भी देख सकते हो जो हमारे इस चैनल में दी हुई है, कंप्लीट 8 घंटे का वीडियो भी है, प्लेलिस्ट भी है, तो दोनों हमारे चैनल से आप सीख सकते हो। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी नेम भी आप वही दे दीजिएगा जो आपने अकाउंट नेम दिया था, डिजिटल एडवर्टाइजर्स। तो ये देने के बाद यहां पर आप अपने कंट्री का टाइम जोन दीजिए, जैसे मैं यहां पर इंडिया का दूंगा, मैं इंडिया में हूं।
और मेरा टाइम जोन आ गया, करेंसी मैं अपने कंट्री की करूंगा INR, इंडियन रुपीस। यहां पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है शो एडवांस ऑप्शंस, तो जब मैं यहां क्लिक करता हूं तो ये कहता है कि क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, वो तो हम कर नहीं रहे इसके अंदर, हम GA4 कर रहे हैं। यूनिवर्सल एनालिटिक्स के लिए तो हम आपको पहले सिखा चुके हैं, तो अगर आपको यूनिवर्सल एनालिटिक्स करना है तो यहां से करना, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं, इसको बंद कर देना। अब GA4 के लिए सीधा करो नेक्स्ट, तो जैसे आप यहां पर नेक्स्ट करोगे तो ये यहां पर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे आपकी इंडस्ट्री की कैटेगरी, आप किस इंडस्ट्री से हो। तो हम जैसे अपना इंडस्ट्री का कैटेगरी चुन लेते हैं, बिजनेस इंडस्ट्रियल। अभी हम दोस्तों अपनी जो कैटेगरी है उसको इंटरनेट एंड जॉब एंड एजुकेशन में कर देता हूँ, बिकॉज हमारा तो सारा एजुकेशन का है, बाकी हमारी अभी के लिए हम ये कर देते हैं डेमो के लिए। बाकी आपकी जो कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी चुन लीजिएगा। आपकी कंपनी स्मॉल है मीडियम है वो आप यहाँ पर देख के अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, अभी मैं स्मॉल कर देता हूँ। यहाँ पर हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, तो यहाँ पर आप कैसे यूज करना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो आप यहाँ पर दोस्तों सारा टिक कर दीजिएगा, बिकॉज आप तो यही चाहोगे सारा जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से मेजर हो, आपके पास इंसाइट्स आए। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद अदर्स को रहने दीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा। क्रिएट करने के बाद यहां पर आप अपना कंट्री फिर से चुनिएगा, तो ये हमने इंडिया चुन लिया जो भी आपकी कंट्री है, और अपने ये टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे नीचे आ रहा है इसकी भी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए। तो ये एक्सेप्ट करने के बाद आगे फर्दर प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। तो माय ईमेल कम्युनिकेशंस, उसके लिए हमने पहले ये सब हम इसको सेव कर देंगे, बिकॉज ताकि में सारी कम्युनिकेशंस और सजेशंस आते हैं गूगल एनालिटिक्स से। अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो चूज अ प्लेटफॉर्म, वेब है, एंड्रॉयड ऐप है, iOS है। ठीक है, तो हम वेब चुनेंगे बिकॉज हम वेबसाइट से रिलेटेड आपका सारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेब पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सारा का सारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। वेब पे क्लिक करूंगा, वेब पे क्लिक करने के बाद अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा, तो हमारी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल कर लेंगे कॉपी। यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पर अपना यूआरएल डाल देते हैं और इसको हटा देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी HTTP लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने कर दिया, प्लस ये हटा दिया यहाँ से। वेबसाइट का नाम डालना है तो आप डिस्प्ले के डाल सकते हो, लाइक डिजिटल एडवर्टाइजर्स। ठीक है, ये हमने डाल दिया दोस्तों, एनहेंस्ड मेजरमेंट। ठीक है, ये सब आप ऑन रहने दीजिएगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ताकि ये सारी चीजें पेज व्यू स्क्रोल्स आउटबाउंड और भी चीजों को मेजर करे, सारा आपके पास डाटा दे ट्रैकिंग का। क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करो आप, तो जब आप क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करोगे सेम प्रोसेस आपका iOS एंड्रॉयड या आपके ऐप वगैरह सबके लिए है। तो यहां पर आप देखो ये आपकी मेजरमेंट आईडी क्रिएट हो गई। ठीक है, ये जो आप आईडी देख रहे हो, और एड न्यू पेज टैग, तो यहां पर हम अब क्लिक करेंगे जो ग्लोबल साइट टैग है, और ये जो कोड है इस कोड को हम कॉपी करेंगे। ये आपकी आईडी है, ध्यान रखना GA4 की आईडी है आपकी। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स की। और ये आप देख सकते हो ग्लोबल साइट टैग है, यूज दिस टैग इफ यू आर यूजिंग अ वेबसाइट बिल्डर और CMS होस्टेड साइट, जैसे हम अभी वर्डप्रेस कर रहे हैं या आप इस तरह के कोई और वर्डप्रेस करते हो, कोई वेबसाइट बिल्डर करते हो, तो उसमें आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो। और ये लिखा हुआ है कि कॉपी, इस कोड को कॉपी करने के बाद
हेड सेक्शन में लगाना है। ये दोस्तों HTML के लिए है कि ये आप देख रहे हो इधर ग्लोबल साइट टैग इनटू हेड सेक्शन ऑफ योर HTML, ठीक है। इफ यू यूज ये HTML पे वेबसाइट अगर बनी है, स्टैटिक वेबसाइट है, तो वो आपको फाइल में जाके लगानी पड़ेगी हेड HTML के। इसके लिए आप अपने वेबसाइट डिजाइनर को दे सकते हो। अगर वेबसाइट बिल्डर है वर्डप्रेस की तरह, तो इस कोड को कॉपी करके आप, हमने जैसे कॉपी करा, एडमिन में गए, एडमिन में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखो अपीयरेंसेस आ रहा है, जो हम आपको वैसे सिखाते हैं सब में इसी तरीके से कोड डाला जाता है। इसमें थीम एडिटर में आ जाना। थीम एडिटर में आने के बाद थोड़ा, अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। अब हम थीम एडिटर में आ गए हैं, ये देखिए इधर। अब यहां देखो, ये जो राइट हैंड साइड पे देखो आप, इधर नीचे स्क्रोल करके जाओ और यहां पर हेडर PHP देख रहे हो, इधर क्लिक कर दो। हेडर PHP पे क्लिक करने के बाद हम उस कोड को हेडर में प्लेस करेंगे। तो ये आ गया है, देख रहे हैं यहां पर हेड। अब यहां पर हेड के नीचे इसको पेस्ट करेंगे। ये देख रहे हो ग्लोबल साइट टैग, जो हमने वहां पर पूरा कोड कॉपी करा है, ये हमने अपने CMS में, मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट में लगा दिया। अब ये करने के बाद, इस कोड को करने के बाद दोस्तों, नीचे आओ बिल्कुल बॉटम में, और यहां पर अपडेट फाइल जरूर करना है, वरना वो अपडेट नहीं होगा। तो जब आप अपडेट फाइल करोगे तो यहां पर आपको ये सक्सेस का दिखाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फाइल एडिटेड सक्सेसफुली हो गया है, तो हमारा ये वाला जो कोड है लग चुका है। मगर अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो कोड लग चुका है, उसके लिए आप अपनी वेबसाइट पे वापस जाइए, वेबसाइट को पूरा का रिफ्रेश कर लीजिए, रीलोड कर लीजिए एक बारी। तो जब आपका ये वेब पेज रीलोड हो जाएगा फ्रेश तरीके से, ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों, आप कंट्रोल यू कर दीजिए। कंट्रोल यू करने के बाद आप सोर्स कोड में आ गए। अब देखिए यहां पर हमारे सोर्स कोड में दिखा रहा है हेड ग्लोबल साइट टैग जो हमने लगाया था, ये देख रहे हैं। और ये जो हमारी आईडी देख रहे हो, आईडी जो हमें मिली थी गोल्ड, ये 08M69, यहां पर देखिए आप मेजरिंग आईडी 08M69, ठीक है। तो ये आईडी यहां पर शो हो गई कि मतलब ये हमारे सोर्स कोड में आ गया, कोड में लग गया, ठीक है। इसको बंद करते हैं। एक और तरीका बताता हूं आपको दोस्तों, जैसे कि आपको अगर वहां पर नहीं दिखा और फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है, तो यहां पर एक तरीका होता है टैग असिस्टेंट लेगेसी बाय गूगल। ये एक एक्सटेंशन है जो कि आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो क्रोम में इसको आप इंस्टॉल कर लो अपने ब्राउजर पे और इस पे क्लिक करो। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपनी वेबसाइट पे जाओ, मतलब अपने पहले वेबसाइट यहां पर ओपन कर रखी है, वहां जाओ, फिर उस ब्राउजर पे इसको ऐसे क्लिक करो। जब आप ये क्लिक करोगे, आपकी वेबसाइट ओपन है और इसको एनेबल करोगे, तो जब आप एनेबल करोगे, इसको रीलोड करोगे, एनेबल करने के बाद आपने पहले इसको एनेबल कर दिया एक्सटेंशन को, फिर इसको दोबारा रीलोड कर दिया, ठीक है। एक बार ये रीलोड हो जाए, रीलोड के बाद फिर दोबारा से वो देखते हैं, ठीक है। यहां पर आते हैं दोस्तों, क्लिक करते हैं इसको, ये देखो ये हमारी आईडी आ गई, गूगल टैग हमारा लग चुका है, ग्लोबल टैग लग चुका है इसके अंदर। तो दो तरीके से मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया है कि आपकी आईडी लग चुकी है। इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। अब दोस्तों ये हमने रीलोड कर लिया, रीलोड करने के बाद इसको हटाते हैं, ठीक है। इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं हम, यहां पर इसके डैशबोर्ड पे, यहां से भी आ सकते हो, यहां से भी इसको बंद करते हैं और यहां से इसके डैशबोर्ड पे आते हैं रिपोर्ट से। यहां पर इसके डैशबोर्ड पे आते ही अब जैसे यहां पर देखते हैं, देखो अभी दोस्तों एक यूजर पर, अभी एक यूजर आया था वो हम ही थे, ठीक है। तो यहां पर शो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, मैं दूसरे क्या कहते हैं एक अपने और लैपटॉप पे ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट्स को, वेबसाइट को देखता हूँ यहाँ रियल टाइम में शो करता है कि नहीं करता, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीज प्रॉपर काम कर रही है
और तुरंत काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दूसरे सिस्टम पे लैपटॉप पे वेबसाइट ओपन कर ली है ताकि मैं रियल टाइम में देख सकूं कि कोई यूजर उस पे आया है कि नहीं आया है, मेरा जो कोड है प्रॉपर तरीके से एक्टिव है कि नहीं है। एक बार ये रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ताकि मेरे यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स पे अपडेटेड एकदम से शो करे रियल टाइम का। दोस्तों रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं डाटा। देखिए दोस्तों ये सेकंड यूजर भी दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा कोड काम करने लग गया है, GA4 गूगल एनालिटिक 4 प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया है। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकली अच्छे से आपको एनालिटिक अकाउंट और कोड इंस्टॉल करना आ गया होगा। अब आप अपनी वेबसाइट में कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आप फर्दर आगे की सीरीज अच्छे से समझे, प्रैक्टिकली करें। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी एजेंसी से, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे से और मेरी टीम से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।